अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? इंशाल्लाह खैरियत होंगे अल्लाह के फजल करम से। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के नए टॉपिक एक नई वीडियो में। तो टाइम जाया कि बगैर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बैंक इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, तो यकीन आप लोगों का जवाब ये होगा कि लंदन, हॉन्गकॉन्ग, यूके वगैरह, इस तरह के आपके ममालिक का जवाब होगा। तो ये जवाब आप लोगों का सही नहीं, दुरुस्त नहीं है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बैंक फ्री इंटरेस्ट सूद से पाक, यानी कि ये बैंक कहाँ पर है, तो यकीनन आप लोगों ये इस तरह के जवाब होंगे कि दुबई, ईरान, इस्तांबुल वगैरह, क्योंकि ये फ्री इंटरेस्ट सूद से पाक वगैरह मुसलमानों में पाई जाती है। तो आप लोगों का मुसलमान ममालिक की तरफ ज़्यादा आंसर जाएगा। तो फिर भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बैंक इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। बुनियाद इसकी पाकिस्तान में रखी गई थी। ये दरअसल इस बैंक का नाम है अकूवत। दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बैंक है, जो कि बिला सूद से पाक फ्री इंटरेस्ट के साथ हैं। ये दरअसल डॉक्टर अमजद साकिब, जिनका एक ये ख्वाब था, खूबसूरत ख्वाब था, जो कि इन्होंने सन 2001 में स्टार्ट किया था। 10,000 के कर्जे की अदायगी से इन्होंने स्टार्ट किया था। 10,000 कर्जे ने स्टार्ट किया था सन 2001 से। तो इनका इनके एक खूबसूरत फिलोसफी ये थी कि इन्होंने जब ये स्टार्ट किया था, तो इनका ये मिशन था कि हम लोगों को खैरात नहीं देंगे, लोगों को कर्ज फराहम करेंगे, ताकि लोग इस कर्ज के ज़रिए अपना कारोबार करें और साथ साथ आसान किस्त के ऊपर, और बिना सूद से पाक था ये, और फ्री इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, सूद वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ किस्तों पे आपको कर्ज इनका लुटाना पड़ता था। वो भी किस्तें भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, ये नहीं कि 5-6 महीने में लुटाना पड़ता, किस्तें भी काफ़ी लंबी होती थी, क्योंकि ये कर्ज़ा उन मतलब के अकूवत कहते ही उसके अकूवत नाम ही हुई, मतलब के मायने अकूवत के ये हैं कि भाईचारे के मतलब क्या होते हैं कि हमारे भाई पास पड़ोस इनकी मदद वगैरह करना। तो अकूवत का मतलब यही है कि भाईचारा। तो इस वजह से इन्होंने ये अकूवत नाम रखा, और साथ ही कर्जे से पाक फ्री इंटरेस्ट वगैरह गरीब लोगों के लिए ये बैंक बनाया गया था डॉक्टर अमजद साकिब की तरफ से। इनका यही ख्वाब था कि लोगों को खैरात वगैरह नहीं देंगे, इनको बिला सूद कर्जा देंगे, जो कि अपना कारोबार करें, अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें, वो खुद को और अपने ख़ानदान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें, ताकि आने वाले वक्त में अपना एक दूसरे का सहारा बन सकें वो लोग। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, जो कि मतलब कि जिनके पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो वो अकूवत में डोनेट करें, और ताकि गरीब लोगों की मदद वगैरह हो सके। ये अकूवत घर के लिए लोन, कर्जे के घर कारोबार तालीम के लिए भी लोन फराहम कर रहे हैं। इनकी यूनिवर्सिटी भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम देती है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर काफ़ी सारे रिसर्च कर सकते हैं। ये कर्ज़ा फराहम कर रही है घर के लिए, कारोबार के लिए, तालीम के लिए। तो आप यहाँ इनकी वेबसाइट पर जाकर या इनके ब्रांच जाकर वहाँ से आप ये कर्ज़े वगैरह की मालूमात हासिल कर सकते हैं कि क्या हिसाब किताब है। बाकायदे की तो कुछ मालूमात मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा कि इसके लिए क्या क्या होता है, जब ये कर्ज़े के लिए क्या क्या चाहिए होगा। और यही एक खूबसूरत सोच थी जिसकी वजह से जो सिलसिला पिछले 20 साल पहले शुरू हुआ था महज 10,000 से, जो कि आज 140 अरब रुपये तक का कर्ज़ा फराहम कर चुका है लोगों में, जिसमें से 40 लाख खानदान फैजियाब हो चुके हैं, और साथ ही जो कि 42% औरतें थी जो आज इज्जत नफ के साथ अपना कारोबार चला रही हैं, और साथ ही अपने घर को संभाला हुआ है। उन्होंने 42% औरतें थी जिन्होंने कर्ज़ा यहाँ से हासिल किया था, आज वो अब कर्ज़ा लुटा कर अपना कारोबार शुरू कर चुकी हैं। और मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँ एंड में कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, कर्ज़ा लेना चाहें, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले उम्र की बात करते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए। उम्र इसकी मांगी गई है 18 साल से लेकर 62 साल तक, इसके दरमियान उम्र हो। ये नहीं कि 60 साल का बंदा जाके कर्ज़ा लेने पहुंच जाए, 2 साल के बाद तो उसने वैसे ही रिटायर हो जाना, तो उसके दिन चलेगी। तकरीबन 60 से नीचे हो, 62 साल तक उम्र दी गई है, मगर 60 से नीचे ही हो तकरीबन, क्योंकि वो कर्ज़ा तो दे सकेंगे, 62 साल के बाद वो बिस्तर पर आ जाएगा, तो कर्ज़ा किस तरह दे सकेगा। उम्र की बात होगी वो साथ ही चाहिए होगा कोई NSE वगैरह, आपको जो अपना NSE है, ओरिजिनल NSE ID कार्ड, वो आपको चाहिए होगा वो कर्ज़े के लिए। और साथ ही साथ आपको 2 गवाह की ज़रूरत होगी, गवाह आप लोगों के अपने ख़ानदान के नाम, ख़ानदान से हटकर 2 बंदे आपको लेके जाने पड़ेंगे गवाह के तौर पर, ख़ानदान के नाम, तब जाके आपको ये
बैंक आपको कर्ज़ा फराम कर सकेगा। इसके अलावा तो अगर आप इनकी शरारत पूरी उतरेंगे तो हमको कर्ज़ा ये फराम कर देगा। इसके ये बाकी बैंकों से मुख्तलिफ है, बाकी बैंक जिस तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगती है, ये रखवाएं हमारे पास, वो रखवाएं, घर के कागज रखवाएं, ये रखें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका अपना घर नहीं है, रेंट पर है, तो आपको सिर्फ स्टैम्प पेपर चाहिए होगा, आपको स्टैम्प पेपर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप अपना घर है तो तब भी स्टैम्प पेपर चाहिए, अगर अपना घर नहीं है, किराया घर है तो किराए में रह रहे हैं तब भी आपको स्टैम्प पेपर चाहिए होगा, ना कि घर के कागजात चाहिए होंगे। इनकी ये अच्छी बात है, बाकी बैंकों में तो इस तरह नहीं होता, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मांगते हैं, कितने डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये चीज़ रखवाओ हमारे पास, वो चीज़ रखवाओ, तब जाकर कोई कर्ज़ा देंगे। और उनकी किस्तें भी ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट भी होता है इसमें, ना इंटरेस्ट है ना कि किस्तें भी काफ़ी लंबी हैं, मान जाएंगे आपको जितना कर्ज़ा चाहिए, तालीम के हवाले से चाहिए, घर के हवाले से चाहिए, कारोबार के हवाले से चाहिए, जितना आप कर्ज़ा लेंगे उस हिसाब से आपको किस्तें दी जाएंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो इसको लाइक करते जाना और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। अल्लाह हाफिज़।